नमस्ते, आप सब लोग को ग्रीनको इंजीनियर्स चैनल में स्वागत है। मैं सुरजीत चौधरी बोल रहा है। आज आप लोग को टीडीएस मीटर का बारे में बताएंगे। ये टीडीएस मीटर है, पानी को तीन मेजरमेंट टीडीएस मीटर से आप कर सकता है। एक है टीडीएस मेजर कर सकता है, टीडीएस यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड वेट। सेकेंड है इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी। थर्ड है टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आप सेंटीग्रेड में भी कर सकता है, फारेनहाइट में भी कर सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन है पेन ड्राइव, ये आप पॉकेट में रख सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट का पेन ड्राइव डिजाइन फास्ट न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस, एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए इफेक्टिव है। इसका एक्यूरेसी है प्लस माइनस 2%। इसका वेट है 55 ग्राम। इसका मेजरमेंट का रेंज भी बहुत ज्यादा है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। स्क्रीन में पूरा डिटेल्स आपका रेंज दिया हुआ है। ये है टीडीएस मीटर। इधर में बैटरी, ये डिस्प्ले पैनल है, इसमें ऑन ऑफ स्विच है। आप ऑन ऑफ करने के बाद ये चालू हो जाएगा। ये है आपका प्रोटेक्टिव कैप है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है। ये आप पानी का अंदर में डुबाने पड़ेगा, सतर्क रहना है। जब आप पानी का मेजरमेंट करेंगे, इससे ज्यादा आप कभी भी मत पानी का अंदर में डालिएगा। ये शिप में 4 मोड है। 4 मोड आप क्लिक करके आपको ये डिस्प्ले बोर्ड को चेंज करके आप मेजरमेंट कर सकते हैं। पानी में मेजरमेंट करने के बाद ये डिस्प्ले में पूरा मेजरमेंट आ जाएगा। आप होल्ड क्लिक करके दीजिएगा। होल्ड क्लिक करने के बाद जो टेम्परेचर आपको मेजर आया वो फिक्स्ड हो जाएगा। ये टीडीएस मीटर आप लोगों को प्रोफेशनली यूज करने चाहिए। सब इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ने के बाद ही आप ये यूज करने चाहिए। अवॉइड करने होगा हीट से और धूप से। ज्यादा हीट होने से इसका मीटर खराब हो जाने का चांस रहता है। ये टीडीएस मीटर वाटरप्रूफ नहीं है। पानी के अंदर में डुबाने से इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड खराब हो जाएगा। ये यूज करने के बाद इलेक्ट्रोड को ड्राई करके ये प्रोटेक्टिव कैप आप लगा के रखने होगा। ये बहुत दिन यूज नहीं करने से आप इसका जो बैटरी है वो खुल के आपको रख देने होगा।